देख सकते हैं ये वाला काला गुलाब है, ये वाला छोटे छोटे पौधे हैं और उसमें फूल दोस्तों बहुत मैंने हर डाली में है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों एकदम खुलियाम साफ सुथरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश, भास्कर ईश्वरी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और आज फिर से एक बार एक नई वीडियो में दोस्तों एक मैन पार्ट का नया जगह, तो ये पीछे तरफ देख सकते हैं यहाँ इस तरह से यहाँ पर मेन गेट है और इसी में घुसना है। बायो डाइवर्सिटी पार्क करके नाम है, तो यहाँ का आप लोगों को आज कुछ नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। बस चैनल में पहली बार बने हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना भाई भास्कर दत्त नागेश का चैनल को। तो चलिए चलते हैं पिछला कैमरा में। दोस्तों जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, हम लोग आज एक नई वीडियो दिखाने वाले हैं। तो हम लोग जहाँ आ रहे थे दोस्तों वहाँ पर पहुँच गए हैं और मैन पार्ट में दोस्तों ये जगह आपको मिलेगा, ग्राम पंचायत सपनादर के अंतर्गत है। अंबिकापुर से आते समय ठीक आपको राइट साइड में पड़ेगा और इस जगह का, इस पार्क का नाम है दोस्तों डाइवर्सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। उतना प्रसिद्ध तो नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए। हम खुद देख नहीं पाए थे मैन पार्ट वाले हैं, फिर भी तो हमको वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। तो वीडियो देख करके मैं आया हूँ दोस्तों, यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ ज़्यादा फूल हैं, फूल के बागवान हैं और एक से एक दोस्तों आपको फूल देखने को मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं, ये साइड चलेंगे और आपको जैसे इधर देख पाएंगे, ये वाला फूल का नाम तो मालूम नहीं है, एक पहुंच चुके हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे ताकि हमारे भाई लोग भी पहचान सके। ये इसको नागफनी बोलते हैं और नागफनी कैक्टस, ये काफ़ी सुंदर दिखने में लग रहा है। और इस तरह से मैंने ये हर डाली में फूल लगता है। तो इसी तरह दोस्तों ये यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इस ये पौधे से फूल है। और इधर आगे भी देख सकते हैं पूरे उधर पीला पीला कलर का फूल दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। और इसमें कुछ ऐसे गलियाँ बनाई गई हैं और इसमें लोगों को आने जाने के लिए सुविधा सुविधा, ताकि एकदम फूल वाला बगीचा में घुसना ना पड़े। अरे दूसरा वाला फूल और ये फूल देख सकते हैं, ये अलग कलर का है, पौधा वही है लेकिन इसका कलर जो अलग है। और इस साइड देख पा रहे हैं इसका पौधा इतना लंबा लंबा है, बड़े साइज में है और ये वाला फूल पीला पीला कलर में, तो ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। दोस्तों अब ये वाली गली एकदम मस्त लग रहा है, इसी में चलना है। और जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं बच्चे उठने के लिए बहुत व्यवस्था, शासन प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा सुविधा है, ताकि यहाँ के दर्शनार्थी जो देखने आते हैं उनके लिए टाइम पास मनोरंजन कुछ ये सेवा है। थक गए हैं तो बैठ सकते हैं और ये देख पा रहे हैं इसमें आकर आप लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं बैठ के दिखाता हूँ, इस तरह से बैठ करके आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ, अपने जोड़ी के साथ, अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ टाइम पास कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। इसमें बूढ़े जवान सियान से लेकर लड़का तक ये आनंद ले सकते हैं। ये वाला झूला का क्या नाम बोलते हैं कैमरा में मालूम नहीं है, फिर भी ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाला तो झूला है, ये वाला झूला आप लोग शायद देखे हैं स्कूल स्कूल के पास रहता था ये, तो वही वाला झूला है, इसमें आप लोग भी झूल सकते हैं और छोटे छोटे बच्चों लोग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये सब है, ये सारी चीज़ों का जो व्यवस्था है यहाँ, तो देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और लोग जब यहाँ आते हैं तो इसी सब का आनंद लेते हैं। और इस तरह से यहाँ जो फूल की एक रौनक है, रंगीन की दुनिया है, ये लोगों की मन को आकर्षित करता है। अब चलिए चलते हैं इस साइड, ऐसा लग रहा है कि ये जो आप लोग रामायण महाभारत श्री कृष्ण की ये लीला में ऐसे
नज़ारा देखने को मिला होगा, लेकिन आज आप लोगों को दिखाते हैं हमारे मैन पार्क से पावन धरा धरती में। कितना अच्छा दिख रहा है, और इधर को भी दिखाइए एकदम करीब से जूम करके, ताकि सबको देख करके समझ में आए इस तरह से जगह है। ये वाला पेड़ तो आंवला का लगता है, लेकिन आंवला नहीं है, ये कुछ अलग पेड़ है, पेड़ नहीं है, पौधा है। और ये काफ़ी सुंदर सुंदर, ये गेंदा फूल जैसे दिख रहा है, लेकिन ये कुछ अलग फूल है। तो इस तरह से यहाँ मैंने गमले गमला में रखा गया है, जिस तरह से यहाँ मैं आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। इजाजत है तो नाना प्रकार के फूल हैं, अनेक प्रकार के, हजारों प्रकार के यहाँ पर फूल हैं। इसको ऐसा सजाया गया है कि ये देखो डहलिया फूल है, कली जो कांदा, नहीं है लेकिन कांदा, इसका कांदा जगाते हैं, इसका कांदा कौन वाला कांदा इसका दोस्तों, शायद कैमरामैन जी बता रहे हैं, इसका कांदा कंदा को उगाते हैं तो उसी में से निकलता है, और इस तरह से एकदम खूबसूरत दिखता है। और चलिए इस पर्वत से हम उतर कर और एक ये अलग फूल है डहरिया, सब तीनों डहरिया अलग किस्म का दिख रहा है। और ये वाला देखिए, ये वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन हल्का सा धूप में मुरझा गया है। ये शाम के समय या सुबह टाइम बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चों पढ़ाई लिखाई के समय में ऐसे इस कलर के स्याही हमको नजर ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है, तो इस तरह से स्याही कलर का है। और यहाँ से देख पाएंगे पूरा लाइन लाइन उधर गमला में पूरे नज़ारे। ये भी देखो, ये भी एक डहलिया फूल है, और उधर भी आप लोग इतने सारे पौधे को आप लोग को दिखाने का प्रयास किया मैं। और चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधे गुलाब, गुलाब की जो भगवान है दोस्तों। और चलिए उससे पहले इधर जो क्लोथिंग को एक उन्हें छप्पर बना करके इसमें क्या क्या है उसको आप लोगों को दिखाते हैं, तो प्रयास करेंगे, ताकि ये देख सकते हैं दोस्तों आप जहाँ तक देख सकते हैं हर एक प्रकार की गुलाब है यहाँ। गुलाब लाल, हल्का पीला, सफ़ेद और काला गुलाब भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आगे देख रहे हैं, ये काला गुलाब है, ये आप लोग को मिलेगा नहीं, ये देख। और इसमें शाम सुबह पानी दे रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो इस तरह से इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर गुलाब का फूल, अनेक प्रकार के, अनेकों प्रकार के गुलाब के फूल मिलेंगे आपको। जिसको भी अपने लवर को, अपने प्रेमी को अगर प्रपोज करना हो तो दो यहाँ से आप लोग ले जा सकते हैं एकदम। हाँ, इधर से ऐसे ले लीजिए, और ये देखिए इस तरह से फूल। आप लोगों को ले चलते हैं इसी पार्क के अंतर्गत है, आप लोग को एक से एक एनिमल्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक गुलाब फूल का डहलिया तैयार कर। और दोस्तों जितने भी आप लोगों को मैं गुलाब फूल दिखाने का प्रयास किया उधर, तो यहीं से तैयार होता है, इस तरह से उसको तैयार करते हैं। थोड़ा एकदम
जूम करके दिखा दीजिए बैठ करके बढ़िया से, इस तरह से तैयार करते हैं। और जब फूलता है खिलता है तो ऐसा लगता है कि एकदम मैंने दिल में खिला है गुलाब का फूल। चलिए ये शुरुआती है और इसको कहाँ से लाते होंगे इसको भी हम पूछेंगे। ये आपका रास्ता है, इसमें से जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकदम माने हम ऐसा दुनिया में आ गए हैं, बहुत भारी जंगली एरिया में। और हमको हाथी मिला है, मोर मिला है और हिरण मिला है। भालू इस तरह से भालू दिख रहा है, भालू ना चलो। और हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग को, ताकि यहाँ आप लोग आएंगे तो फर्स्ट गेट में ही पड़ेगा आप लोगों को। इस तरह से जो जंगली एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल, तब आप लोग को ऐसा लगेगा कि एकदम ये कहाँ पार्क बोलते हैं ना गुड़िया जान था। हाँ तुम्हारे यही जगह थे। अच्छा हाथला निकाल ले, हाथला निकाल ले, चल बढ़िया बात कर ली ना, सीधा खड़े रहा। तो तोर नाम का हवे? सोनी। ए सोनी, और तुमन तोर दाई मन वही जगह थे कि? और तोर दाऊ तुम्हार गांव कहाँ है? अच्छा रात ही वही जगह। तो इधर कर ना गांव का एक नाम है जान सपना दर हवे। हाँ तो तुमन ले जगह है कितना दिन होगी? अच्छा दो सप्ताह। ठीक तो स्कूल पे पढ़ेगी। अच्छा तो दोस्तों ये छोटी बच्ची है और स्कूल में भी पढ़ती है। मोर कैसे देख, अभी हाथ निकाल, अभी दो खड़े रह सीधा, शायद ये स्कूल नहीं गई है। और ये पार हाथ ला निकाले से मम्मी पापा के साथ है। तो चलिए इनको पापा लोग से भी बात करेंगे। और दोस्तों ये हमारे जो छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने पुराने जो संस्कृति है, नाच गान ये होती है, उसकी सब यहाँ पर झलकें बनाई गई है। ऐसा लग रहा है एकदम यहाँ ये मूर्ति देख सकते हैं, मांदर के ताल पे लोग ठुमका लगा रहे हैं। और इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी चलता है। और यहाँ देख सकते हैं मोहरी और झांझ, झांझ लेकर खड़े हैं। और यहाँ देख सकते हैं, इसको दिखाइए कैमरामैन जी, ये वाला आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो इस वाला खोमरा बोलते हैं हम लोग, खोमरा ऐसे चलता था, लेकिन आजकल ये सब लुप्त हो गया है, आप लोग को देखने को कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से। और ये वाला तो ये हम पढ़ नहीं पा रहे थे, बायो डाइवर्सिटी पार्क मैन पार्ट ये है। और इसको दिखाइए हमारे शादी विवाह में ये वाला बाजा एकदम फेमस रहता है। आजकल भले से डीजे उजे हो गया तो ये लोग उन्हें लुप्त की कगार पर हैं, लेकिन काफ़ी प्रचलन था उस समय। और ये देखिए हमारे मैन पार्ट के दर्शनीय स्थानों का कुछ नक्शा बनाया गया है।